हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि सेटअप बॉक्स हमेशा ऑन पोजीशन में, ठीक है, हमेशा ये ऑन लिखा हुआ रह रहा है, ठीक है, इसी पोजीशन में रह रहा है और सेटअप बॉक्स पूरा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूँ कि ये पावर बोर्ड जो लगा है बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3.3 सही है, ये ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट है जो कि 16-18 तक मिले तो सही है, ये 24 वोल्ट है जो 22 के आसपास, ये भी सही है। उसके बाद फिर ये ग्राउंड हो गया, ये फिर आपको 5 वोल्ट हो गया जो कि सही है। आपका SMPS जो है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अभी भी आप देख पा रहे हैं इसमें ऑन ही लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आपको क्या, आप बहुत दोस्त क्या करेंगे, इस कार्ड को बदल देंगे पूरा, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व तो हो ही जाएगा बदल देने से, लेकिन मैं आज बताऊँगा इसको रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, आपने कभी ना कभी पुराना कार्ड जो होगा चेंज किया हुआ, ठीक है, जैसे IC खराब कार्ड जो भी है उसको निकालना है आपको, उसमें से क्या करना है आपको, मैं सबसे पहले इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो IC है इसका मेमोरी IC, ठीक है, इसको आपको बदल देना है, ठीक है। इस IC में जो सॉफ्टवेयर जो है करप्ट कर जाने के कारण इस तरह का दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपको ये IC बदल के फिर मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको IC बदलने के लिए आप चाहें तो डिसोल्डर वायर का मदद ले सकते हैं, डिसोल्डर वायर और आयरन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि डिसोल्डर वायर से आपको क्या करना है, एक एक आयरन, ठीक है, एक एक ठो ऐसे रख रख के आपको क्लीन करना है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, अगर आप आयरन से करेंगे तो, लेकिन निकलेगा बिल्कुल। ऐसा ना सोचें आप कि आपके पास हॉट एयर गन होना ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल आयरन से आप निकालिए, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हॉट एयर गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा काफ़ी जल्दी निकल जाएगा और मैं आपको आसानी से दिखा पाऊंगा कि आप हॉट एयर गन की मदद से कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप बिल्कुल आयरन से करें, बिल्कुल आयरन से भी ये काम हो जाएगा। ठीक है, निकल गया। अब आपको क्या करना है, पुराने किसी बोर्ड से आपको वहीं उसी पोजीशन पे लगा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 IC लगा होता है, ठीक है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, एक आपको साउंड IC होता है और दूसरा जो आपको मेमोरी IC होता है, ठीक है। तो इसमें का IC मैं पहले से निकाल रखा हूँ ताकि समय बचे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर इसको लगाना है, तो देखिए इस तरह बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लग जाता है, ठीक है। देखिए अच्छे से लग गया है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप आयरन से और डिसोल्डर वायर की मदद से बिल्कुल इस IC को निकाल और लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचिए कि आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने DTH कार्ड से ये IC निकाल के डाल देना है और आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे पावर ऑन सप्लाई देके अब मैं स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन हुआ, फिर वो ब्लिंक किया। अब उसके बाद आपका आ गया 133, 134, 135, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, और सिर्फ एक IC पुराने DTH कार्ड से निकाल के आप लगा के आप अपने तकरीबन 300-350 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप खुद से करेंगे तो भी आजकल ये मार्केट में काफ़ी महंगा आ रहा है, लगभग 300-350 आपको लगभग इतना पे करना पड़ा, पहले कुछ कम में आता था लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा दाम बढ़ गया है। और अगर आप टेक्नीशियन के माध्यम से कराते हैं तो कभी कभी तो इसके 400 तक देने पड़ जाते हैं। यह बात अलग है कि 500-600 में सेटअप बॉक्स भी मिल जाता है कम दाम वाला, लेकिन कभी कभी 400 भी इसके कारण पेड करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया, अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो को अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर करें, और इसी तरह के ज़रूरी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।